जीवन में या तो कोई काम करो नहीं, और करो तो उसे इस सिद्धांत को आप पूरा करने के बाद दम लें। जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को संवार देती हैं। जब किसी कार्य को हम पहली बार करते हैं तो एक रेशम के एक छोटे से पतले से धागे के समान होता है, लेकिन जब वही कार्य बार बार किया जाता है तो वो पतला सा धागा एक मजबूत रस्सी के रूप में तब्दील होने लग जाता है, और वो मजबूत रस्सी पकड़कर जिंदगी की किसी भी जंग को जीता जा सकता है। एक ऐसी एक आदत सलामी स्लाइस विधि की मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। कई बार आप में से कई बच्चों का कमेंट होता है, कर पाऊंगा, बहुत बड़ी पुस्तक है, मैं कैसे कर पाऊंगी सर, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूं, मैं इतनी जल्दी इस कार्य को कर लेंगे। हम किसी कार्य की विशालता को देखकर डर जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए, हमारे पुराने लोगों ने भी हमें सिखाया है और इतिहास भी हमें सिखाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता को आप लोग पढ़ते हैं तो आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन बाद में एक सलामी स्लाइस विधि, जिंदगी में किसी चीज को बड़े को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसको टुकड़ों में विभाजित कीजिए और उसके जो किनारे हैं उनको हासिल करना सीखिए, आप मध्य में सेंटर में जरूर पहुंच जाओगे। तो सलामी स्लाइस विधि क्या है? जिंदगी में जब किसी लक्ष्य को तय कर लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे इस किताब को पढ़ना है, मुझे इतने दिन में इस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब उसके टुकड़े तुमने कर लिए और आपने तय किया कि आज मुझे इस पार्ट को पूरा करना है, जैसे ही आप उस पार्ट को पूरा करते हैं तो करते ही अंदर से खुशी आएगी। कई बार आप कहते हैं ना कि सर इंटरनल मोटिवेशन क्या है, इंटरनल मोटिवेशन मेरा हो सकता है, लेकिन जब मैंने उस काम के किसी एक पार्ट को पूरा किया और पूरा करते ही जो अंदर से खुशी आई, वो आपको आंतरिक प्रेरणा प्रदान करेगी कि जब मैंने इसको पूरा कर लिया है तो मैं अगले पार्ट को भी पूरा कर सकता हूं। आप में से कई लोगों ने क्रिकेट में, हम लोग देखते हैं कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी है, क्या वो डायरेक्ट शतक बना सकता है? नहीं बना सकता। जब वो मैदान में उतरता ना तो उसके दिमाग में ही होता है कि सबसे पहले मुझे अपना विकेट बचाना है, बड़ी सेफ खेलनी है, फिर मेरे दिमाग में आता है कि अब मैं 5 से 7 गेंद अच्छे से खेल गया, अब मुझे क्या करना है कि 10 रन बनाने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 10 के बाद वो 20 को टारगेट बनाता है, 20 से 30 और 30 के बाद 50, और 50 बनने के बाद जो उसका इंटरनल मोटिवेशन होता ना वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वही खिलाड़ी सेंचुरी भी बना सकता है और डबल सेंचुरी भी बना सकता है। जिंदगी यही है, याद रखना, किसी भी लक्ष्य की विशालता को देख के डरिए मत, यूज कीजिए सलामी स्लाइस विधि। और सलामी स्लाइस विधि ये होती है कि उस कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, मुझे इस पार्ट को पूरा करना है, और वो पार्ट को पूरा करने की खुशी तुम्हारे उपलब्धि स्तर को बढ़ा देती है। जिंदगी में विशालता से मत डरिए, कोशिशें कीजिए कि आपके एक्शन कितने फास्ट हैं। थैंक यू।